गुड मॉर्निंग बच्चों मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीन की गणित का अध्याय पंद्रह जिसका नाम है बंटवारा या भिन्न संख्या और इसके भाग एक में आज हम भिन्न से परिचय करेंगे कि ये भिन्न क्या होती है और भिन्नों को कैसे लिखा जाता है और भिन्न में जो संख्याएं दी होती है जो ऊपर वाली संख्या है उसे क्या बोलते हैं और जो नीचे वाली संख्या है उसे हम क्या बोलते हैं ठीक है तो चलिए कक्षा में अब जैसे ही मैंने जो भिन्न शब्द बोला और उसके सामने या उसके साथ में जो बंटवारा शब्द लिखा हुआ था इसका मतलब क्या है कि भिन्न का जो अर्थ है वो ये है कि संख्याओं को समान भागों में बांटना या किसी भी वस्तु को समान भागों में बांटना ठीक है तो अब यहाँ आपके सामने यहां जो चित्र दिया गया है आपके सामने वो चीकू और छोटू के पिताजी का है कि यहाँ चीकू और छोटू के जो पिताजी हैं वो दीपावली का सामान लेने के लिए बाजार जाते हैं ठीक है तो जब उन्होंने दीपावली का जो सामान था वो बाजार से खरीदा तो उन्होंने बच्चों के लिए कुछ पटाखे भी खरीद लिए ठीक है क्योंकि हम सब दीपावली पे पटाखे जलाते हैं तो उन्होंने अपने दोनों बच्चों के लिए पटाखे भी खरीद लिए और जब वो जैसे ही घर आए तो छोटू और चीकू ने उत्सुकतावश कहा या प्रसन्न होकर कहा कि पिताजी आप हमारे लिए क्या क्या लाए हो तो छोटू और चीकू की जो माँ थी उन्होंने कहा कि बेटा रुको पहले पिताजी को बैठने दो फिर बाद में हम सभी सामानों को देखेंगे कि पिताजी बाजार से क्या क्या सामान लाए हैं और जब जो छोटू और चीकू थे उनकी माताजी ने जब जो बाजार से सामान लाए थे उनके पिताजी उसको खोला तो उनके पिताजी बहुत सारा सामान लाए थे तो बच्चों का ध्यान जो सबसे पहले गया वो गया फटाकों पर की पिताजी हमारे लिए बाजार से फटाके लाए अब वो दोनों झगड़ा करने लगे छोटू बोला कि मैं ज्यादा फटाके लूंगा और चीकू बोला या चीकू बोली कि मैं ज्यादा फटाके लूंगी ठीक है तो इस प्रकार दोनों भाई बहनों में झगड़ा होने लगा और जब पिताजी ने ये झगड़ा देखा तो उन्होंने कहा कि रुको अभी मैं आप दोनों के बीच में इन फटाकों को बराबर बांट देता हूं अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि छोटू और तो जो तो तो जो के जो पिताजी थे वो कौन कौन से फटाके लाए थे आप छोटू ने कहा कि दोनों डिब्बिया मैं लूंगा और चीकू बोलती है कि नहीं पिताजी दोनों डिब्बिया मेरे को लेनी है तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं मैं तुम दोनों को इन डिब्बियों को बराबर भागों में बांटूंगा तो जब छोटू और चीकू को यहाँ दो टिक्की के डिब्बे उनके पिताजी लेकर आए हैं तो दोनों भाई बहनों को कितनी कितनी डिब्बिया मिलेगी आप दोनों को बराबर ना तो छोटू को कम चाहिए ना चीकू को कम चाहिए आप हमें या उसके पिताजी को उन दोनों बच्चों में जो फटाके लाए हैं उनको बराबर भागों में बांटना है तो यहाँ जो टिक्की की डिब्बी है उसकी संख्या है दो और छोटू और चीकू को कितने कितनी टिक्की की डिब्बिया मिलेगी तो वो मिलेगी एक एक ठीक है तो इस प्रकार छोटू और चीकू के पिताजी ने दोनों बच्चों के बीच में यहाँ जो पहला फटाका लाए थे वो थे टिक्की की डिब्बी उनको बराबर भागों में बांट दिया ठीक है अब दूसरा फटाका कौन सा लाए छोटू और चीकू के पिताजी वो है सांप की गोली ठीक है अब उनकी संख्या कितनी है उनकी संख्या है चार आप हमें ये बताना है कि यदि हम दोनों भाई-बहनों में उन शाप की गोलियों को बराबर भागों में बांटेंगे तो प्रत्येक को कितनी कितनी गोलियां मिलेगी तो प्रत्येक को यहाँ मिलेगी दो दो गोलियां ठीक है तो इस प्रकार हमने उन दोनों भाई बहनों में जो सांप की गोलियां थी उनका भी बराबर बंटवारा कर दिया ठीक है अब जो तीसरी या जो तीसरा फटाका लाए थे उनके पिताजी या जो तीसरी वस्तु थी वो थी फूलजड़ी ठीक है अब यहाँ जो फूलजड़ियों की संख्या है वो है दस ठीक है तो अब उनके पिताजी ने जब दोनों भाई बहनों में फूलजड़ियों को बांटा तो जो प्रत्येक भाई बहन को फूलजड़ी मिली उसकी संख्या थी पांच पांच ठीक है अब यहाँ जब हम अगला फटाका देखते हैं तो वो है अनार और उसकी संख्या कितनी है तो उसकी संख्या है आप जो छोटू और चीकू के पिताजी है उनको इन छह अनारों को बराबर भागों में दोनों भाई बहनों में बांटना है तो उन्होंने प्रत्येक भाई बहन को तीन तीन अनार दिए ठीक है अब तो जो अगला फटाका लेके आए थे उनके पिताजी वो था जमीन चक्र और जमीन चक्र की संख्या थी 12 और जब उनके पिताजी ने दोनों भाई-बहनों में उन जमीन चक्रों को बराबर बांटा तो प्रत्येक भाई-बहन को यहाँ 6-6 जमीन चक्र मिले ठीक है तो इस प्रकार छोटू और चीकू के जो पिताजी थे उन्होंने जा फटाकों का दोनों भाई-बहनों में बंटवारा किया तो कुछ इस प्रकार किया जो सबसे पहले टिक्की की डिब्बी थी उनकी संख्या थी 2 तो प्रत्येक भाई बहन को एक एक टिक्की की डिब्बी दी उनके पिताजी ने फिर यहाँ शाप की गोलियां उनकी संख्या थी चार तो प्रत्येक को दो दो शाप की गोलियां मिली और फिर यहां फूलजड़ी जो फटाका था उसकी संख्या थी दस तो यहाँ दोनों भाई बहनों को पांच पांच फूलजड़ी मिली और यहाँ फिर अनार जिनकी संख्या थी दोनों भाई बहनों को तीन तीन अनार मिले और जमीन चक्र जिनकी संख्या थी बारह तो दोनों भाई बहनों को उनके पिताजी ने छह छह जमीन चक्र आपस में बांट दिए इस प्रकार उनके पिताजी ने जो बाजार से वो फटाके लाए थे उनका बराबर भागों में बंटवारा दोनों भाई बहनों के बीच में कर दिया और इससे दोनों भाई बहनों के बीच में झगड़ा भी नहीं हुआ और न किसी को कम मिला और न किसी को ज्यादा मिला ठीक है तो जब हमने यहाँ छोटू और चीकू के पिताजी के द्वारा फटाकों का बंटवारा देखा तो हमें ये समझ में आना चाहिए इनके द्वारा हमें यहाँ भिन्न से परिचय करवाया गया अब ये भिन्न से परिचय कैसे हुआ ये भिन्न से परिचय इसलिए हुआ क्योंकि भिन्न का मतलब भी तो हमने अभी यहाँ जब इसका जो अध्याय देखा था अध्याय का नाम था बंटवारा या भिन्न संख्या तो भिन्न का अर्थ होता है कि संख्याओं को बराबर भागों में बांटना या हमारे पास में जो वस्तुएं हैं, उनका बराबर भागों में बंटवारा करना तो छोटू और चीकू के पिताजी ने भी यहाँ बराबर बंटवारा किया है ठीक है अब हम आगे देखते हैं तो जो छोटू था वो अपनी माँ से बोलता है कि मम्मी पापा आना जो बाजार से मिठाई का डब्बा भी लेकर आए हैं क्या बोला छोटू छोटू ने चोटु ने बोला अपनी मम्मी मम्मी से से कि मम्मी, पापा बाजार मिठाई का डिब्बा भी लेकर आए हैं ठीक है तो जो छोटू की मम्मी थी उसने अंदर से बोला कि बेटा जो मिठाई का डिब्बा है उसमें कितनी मिठाइयां हैं उनको गिन लो तो हम यहाँ मिठाई के डिब्बे में कितनी मिठाइयां हैं उनको गिनते हैं तो उन्हें गिनने के लिए हम यहाँ गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह ठीक है तो मिठाई के डिब्बे में जो मिठाइयों की संख्या थी वो कितनी थी वो थी बारह छोटू की मम्मी है उसने छोटू को बोला कि बेटा इन बारह मिठाइयों को तुम अपने चारों दोस्तों में बांट दो ठीक है आप जब छोटू ने इन बारह मिठाइयों को अपने चार दोस्तों में बराबर बांटने की सोची तो उसने सोचा कि मैं एक दोस्त को कितनी मिठाई दूं? तो अब इसके लिए उसे क्या करना होगा इसके लिए उसे इन बारह जो मिठाइयां हैं, उनको बराबर चार भागों में बांटना होगा तो हम यहाँ लिखेंगे बारह जो मिठाइयों की कुल संख्या है और हमें बांटना है चार दोस्तों में ठीक है तो हम लिखेंगे बारह बटा चार इसका मतलब क्या हुआ है? कि आपको चार का भाग बारह में देना है और जब हमने यहाँ चार का भाग बारह में दिया तो वो कितनी बार जाएगा तो इसके लिए हमने जब पिछली कक्षा में भाग सीखा था तो उसको हम यहाँ काम में लेते हैं तो जब हमने यहाँ बारह का भाग चार में दिया तो वो कितनी बार जाएगा तो हम यहाँ करेंगे बारह माइनस चार और जब हमने बारह में से चार घटाए तो हमारे पास में बचेंगे आठ शेष और फिर हमें वापस आठ में से चार घटाना है तो जब हमने आठ में से चार घटाए तो हमारे पास में वापस चार शेष बच जाएंगे और अब हमें चार में से चार और जब हमने यहां चार में से चार घटाए तो हमारे पास में कुछ भी शेष नहीं बचेगा इस प्रकार हमने यहां चार जो संख्या है उसका घटाओ कितनी बार किया तो यहाँ एक बार यहाँ दो बार और यहां तीन बार ठीक है तो अब हमने यहां लिखा था हमने यहाँ लिखा था बारह बटे चार इसका मतलब क्या हो गया कि जब हमने चार का भाग बारह में दिया तो हमें प्राप्त हुए तीन इस प्रकार छोटू ने यहां जो बारह मिठाइयां थी उनको अपने चार दोस्तों में जब बराबर बांटा तो प्रत्येक दोस्त को जो मिठाई मिली उसकी संख्या थी एक दो और तीन ठीक है तो यहाँ उस एक दोस्त को तीन मिली दूसरे दोस्त को भी तीन मिली तीसरे दोस्त को भी तीन मिली और चौथे दोस्त को भी तीन मिली ठीक है तो इस प्रकार छोटू ने उन बारह मिठाइयों का अपने चार दोस्तों में बराबर बंटवारा किया और जब हम इनको जोड़ेंगे तीन में तीन जोड़ेंगे तो छह छह में हम तीन जोड़ेंगे तो नो और नौ में तीन जोड़ेंगे तो भी हमें ही प्राप्त होंगे ठीक है तो इस प्रकार हमने बटा चार को भिन्न के रूप में लिखा है ठीक है हमने यहाँ बारह बट चार को भाग के रूप में नहीं लिख के यहाँ भिन्न के रूप में लिखा है और यहाँ जो ऊपर वाली संख्या है बारह वो भिन्न में अंश कहलाती है और जो नीचे वाली संख्या है भिन्न में वो हर कहलाती है ठीक है और हर का भाग अंश में दिया जाता है ठीक है अब हम आगे देखते हैं तो छोटू ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी पिताजी सेव भी लेकर आए हैं ठीक है तो उसकी मम्मी ने बोला कि बेटा आप दोनों भाई बहन इस एक सेव को बराबर भागों में बांटकर खा लो अब यहाँ जो सेव है उसकी संख्या केवल एक है और भाई बहनों की संख्या दो है और इस सेव को हमें दो भाई बहनों में बराबर भागों में बांटना है तो जब हम इसको बीच में से काटेंगे तो यहां जो आधा हिस्सा है वो छोटू को मिलेगा और आधा हिस्सा है जो चीकू को मिलेगा ठीक है तो इस प्रकार यहां जो सेव का बंटवारा हुआ वो कैसे हुआ यहां दोनों भाई-बहनों को आधा-आधा मिलेगा ठीक है जो छोटू और चीकू के पिताजी हैं वो बैठे बैठे लिफाफे में कुछ डाल रहे थे तो छोटू ने उत्सुकतावश पूछा कि पिताजी आप इस लिफाफे में क्या डाल रहे हो तो उसके पिताजी ने उसको कहा कि बेटा मैं अपने दोस्तों को दिवाली की जो शुभकामनाएं हैं वो भेज रहा हूं पत्र के माध्यम से लेकिन जो ये पत्र मैंने लिखा है वो इस लिफाफे में नहीं आ रहा है क्या तुम कोशिश करके देख सकते हो कि ये पत्र इसमें आएगा या नहीं आएगा तो जब छोटू ने कहा हाँ पिताजी मैं शायद कोशिश करके देख सकता हूं। तो जब छोटू ने उस पत्र को उस लिफाफे में डालने की कोशिश की तो छोटू से भी वो जो पत्र था वो लिफाफे के अंदर नहीं डाला गया क्योंकि उसका जो आकार था वो बड़ा था इसलिए वो लिफाफे में नहीं डाला जा सका छोटू के जो पिताजी थे उसने उन्होंने छोटू को समझाते हुए कहा कि बेटा ये जो पत्र है तुम या आप इसे एक बार मोड़ो और जैसे ही छोटू ने पत्र को एक बार मोड़ा तो उसका आकार कुछ इस तरीके का हो गया कि हमारे पास में एक कागज है और जब हम उसे मोड़ेंगे तो वो कितने हिस्सों में बढ़ जाएगा वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा तो यहां जो एक हिस्सा होगा वो होगा आधा और उसे यदि हम भिन्न के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे हम आधा को भिन्न के रूप में लिखेंगे एक बटा दो ठीक है कि ये एक वस्तु का दूसरा हिस्सा है ठीक है अब जब छोटू के पिताजी ने छोटू को पत्र को एक बार मोड़ने के लिए कहा तो उसका आकार था जो छोटा हो गया लेकिन फिर भी वो पत्र लिफाफे में नहीं डाला जा सका छोटू ने पिताजी से कहा कि पिताजी अभी भी ये पत्र इसके अंदर नहीं या लिफाफे के अंदर नहीं डाला जा रहा है तो फिर छोटू के पिताजी ने कहा कि बेटा आप इस पत्र को एक बार और मोड़ो और जैसे ही छोटू ने उस पत्र को एक बार वापस मोड़ा तो पत्र के जो भाग थे वो तीन हो गए कैसे कि दो बार मोड़ने पर जो पत्र को पत्र था वो तीन भागों में बट गया जैसे यहाँ बटा हुआ है एक दो और तीन ठीक है अब यहां जब पत्र तीन भागों में बट गया तो हम उसे क्या बोलेंगे हम उसे बोलेंगे तिहाई अब तिहाई को भिन्न के रूप में हम कैसे लिखेंगे तो तिहाई को भिन्न के रूप में हम लिखेंगे एक बटा तीन मतलब ये एक ही वस्तु का तीसरा हिस्सा है ठीक है अब छोटू ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी दो बार मोड़ने पर भी इस पत्र को लिफाफे में नहीं डाला जा रहा है। तो फिर पिताजी ने वापस छोटू से कहा कि आप इस पत्र को तीन बार मोड़ो या वापस एक बार और मोड़ो और जैसे ही छोटू ने उस पत्र को एक बार और मोड़ा तो उस पत्र के जो भाग थे उनकी संख्या कितनी हो गई तो उस पत्र के जो भाग थे उनकी संख्या हो गई चार एक दो तीन और चार अब जो उसका आकार था वो छोटा हो गया और उसे आसानी से लिफाफे में डाला जा सका तो यहाँ जैसे ही उस पत्र का जो चौथा भाग था उसे हम कहेंगे चौथाई और चौथाई को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं एक बटा चार ठीक है तो अब हमने यहाँ पत्र के माध्यम से क्या समझने का प्रयास किया कि यहाँ हमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि एक कागज है वो इस आकार में है ठीक है आप जैसे ही उसे लिफाफे में डालने की कोशिश की गई तो वो लिफाफे में नहीं डाला जा सका क्योंकि हमें पता है कि लिफाफे का आकार ये होता है ठीक है आप ये जो कागज है उसे हम एक बार मोड़ेंगे तो उसका जो वो कागज है उसे दो भागों में बांटा जा सकेगा और उसे हम कहेंगे आधा और आधा को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं एक बटा दो ठीक है अब जैसे ही हमने उस कागज को दो भागों में मोड़ा फिर भी उसे उस लिफाफे में नहीं डाला जा सका तो हमने क्या किया उस कागज को एक बार और मोड़ दिया और जैसे ही हमने एक बार और मोड़ा तो वो जो कागज था वो तीन भागों में बट गया अब हम जो तीसरा भाग है उसे क्या कहेंगे हम कहेंगे तिहाई और तिहाई को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं एक बटा तीन ठीक है अब जैसे ही उसका या कागज को हमने तीन भागों में मोड़ा फिर भी वो कागज लिफाफे के अंदर नहीं डाला जा सका तो अब हम कागज को एक बार और मोड़ेंगे और जैसे ही हमने कागज को यहाँ तीसरी बार मोड़ा तो जो कागज था वो चार भागों में बट गया ठीक है तो हम इसका जो चौथा भाग है कागज का उसे हम कहेंगे चौथाई या पत्र का जो चौथा भाग है उसे हम कहेंगे चौथाई और चौथाई को भिन्न के रूप में लिखते हैं हम एक बटा चार मतलब ये एक वस्तु है पूरी उसका चौथा हिस्सा है ठीक है अब हम आगे देखते हैं चौथा प्रश्न है उसमें हमारे सामने दो कागज दिए हुए हैं और जो दो कागज है उसमें ये पहला कागज हो गया ये दूसरा कागज हो गया ठीक है अब ये जो पहला कागज है उसके नीचे लिख देंगे हम एक ठीक है और ये जो दूसरा कागज है इसे एक बार मोड़ा गया ठीक है, है और इसे एक बार मोड़ा गया है इसका मतलब क्या हो गया कि कागज के दो भाग हो गए और इसे हम लिखेंगे एक बटा दो ठीक है तो यहां यदि हम ये दो दोनों कागज है इनको अगर भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक सही एक बटा दो ठीक है आप जब हमने यहां एक सही एक बटा दो लिखा जब हमने यहां एक सही एक बटा दो लिखा तो उसका अर्थ क्या हो गया तो उसका अर्थ हो गया यहाँ पे कि ये जो कागज है उसे हम डेढ़ बोलेंगे कि उसे हम एक सही एक बटा दो को हम डेढ़ बोलेंगे और ये किसी भी वस्तु का जो हिस्सा होता है वो है यहाँ जो ये पहला कागज है वो पूरा है और दूसरा कागज है, वो आधा है और यहाँ हमने एक के नीचे एक लिखा और जो आधा है कागज उसके नीचे हमने आधा लिखा ठीक है तो यहाँ हम अगर इसे या इन दोनों कागजों को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे एक सही एक बटन दो ठीक है और इसे हम भिन्न की भाषा में बोलेंगे डेढ़ और डेढ़ को लिखेंगे हम कुछ इस तरीके से हिंदी में ठीक है गणित में हम डेढ़ को लिखेंगे ऐसे और हिंदी में लिखेंगे हम डेढ़ को ऐसे ठीक है अब अगला प्रश्न हम देखते हैं उसमें भी हमारे सामने दो कागज दिए हुए हैं ये जो पहला कागज है ये पूरा है और ये जो दूसरा कागज है उसे तीन बार मोड़ा गया है और जैसे ही तीन बार इसे मोड़ा गया तो यह चार भागों में बट गया तो इसे हम लिखेंगे एक बटा चार ठीक है क्योंकि ये एक कागज का चौथा हिस्सा है ठीक है तो यहां हम लिखेंगे एक सही एक बटा चार अब यदि हम इन दोनों कागजों को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा एक सही यहाँ हम लिखेंगे एक सही एक बटा चार और एक सही एक बटा चार को हम गणित की भाषा में बोलते हैं सवा क्या बोलते हैं सवा और सवा को गणित में लिखा जाता है ऐसे और हिंदी में लिखा जाता है ऐसे तो यहाँ हमारे सामने दो कागज दिए हुए थे और जो पहला कागज था वो हमें पूरा दिया हुआ था और जो दूसरा कागज था उसे हमने तीन बार मोड़ा था और जो तीन बार जैसे ही मोड़ा तो इस कागज को हमने चार भागों में बांट दिया तो इसका जो चौथा भाग है उसे हम चौथा ही बोलेंगे और यहाँ हमने एक कागज के नीचे एक लिख दिया ठीक है तो यहां यदि हम दोनों कागजों को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एक सही एक बटा चार और इसे गणित की भाषा में हम बोलेंगे सवा और सवा को हम गणित में लिखेंगे ऐसे और हिंदी में लिखेंगे ऐसे ठीक है अब हम आगे देखते हैं हमारे सामने यहाँ जो छठा प्रश्न है उसमें हमारे सामने क्या किया गया हमारे सामने यहाँ एक दो और तीन कागज दिए गए, ठीक है अब यहाँ जो पहला कागज है वो भी पूरा है और दूसरा कागज है वो भी पूरा है अब जो तीसरा कागज है उसे एक बार मोड़ा गया है और जैसे ही एक बार मोड़ा उसे वो दो भागों में बट गया ठीक है तो यहां हम लिख देंगे आधा ठीक है आप यदि हम इन तीनों कागजों को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो हमें इन तीनों को जोड़ना होगा तो एक में हम एक जोड़ेंगे तो दो और दो में जब हम आधा जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होंगे ढाई तो हम यहां लिखेंगे दो सही एक बटा दो आप इसे हम क्या बोलेंगे इसे हम बोलेंगे ढाई तो ढाई को हम गणित की भाषा में लिखेंगे कुछ इस तरीके से या भिन्न के रूप में लिखेंगे कुछ इस तरीके से और हिंदी में लिखेंगे हम ढाई को कुछ इस तरीके से ठीक है अब यहां हमारे सामने एक कहावत के माध्यम से हमें भिन्नों को समझाने का प्रयास किया गया है कि हम वस्तुओं को कैसे बराबर भागों में बांटते हैं अब हमारे सामने यहां जो पहला चित्र दिया हुआ है इस चित्र में इसे दो हिस्सों में बांटा गया है या इस चित्र को दो हिस्सों में बांटा गया अब यहाँ जो पहला हिस्सा है वो खाली है और जो दूसरा हिस्सा है वो भरा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ इस चित्र को जैसे ही दो भागों में बांटा गया तो इसे हम लिखेंगे आधा और आधा को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं हम लिखते हैं एक बटा दो ठीक है अब यहाँ जो दूसरा चित्र है उसे हम यहां तीन भागों में बांटा गया है और उसे हम गणित की भाषा में लिखेंगे एक बटा तीन ठीक है अब एक बटा तीन को हम बोलते हैं एक तिहाई या तिहाई अब यहां जो तीसरा चित्र है उसे चार भागों में बांटा गया है और इसे हम गणित की भाषा में लिखेंगे एक बटा चार और इसे हम बोलते हैं चौथा है है ठीक तो यहां हमें समझाने का प्रयास किया गया है कि जब हम किसी भी वस्तु को बराबर भागों में बांटते हैं यदि हमने उसे बराबर भागों में दो भागों में बांटा है तो उसे हम बोलेंगे आधा अब यदि हमने उसको तीन भागों में बांटा है तो हम बोलेंगे उसे एक तिहाई और यदि हमने उसको चार बराबर भागों में बांटा है तो हम बोलेंगे चौथाई और यदि हमने एक वस्तु पूरी और दूसरी वस्तु को आधे भाग में बांटा है तो उसे हम बोलेंगे डेढ़ और यहाँ जो सवाल लिखा हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि एक वस्तु पूरी और दूसरी वस्तु का एक चौथाई हिस्सा ठीक है और यहाँ ढाई का मतलब क्या हो गया कि दो वस्तु में पूरी और तीसरी वस्तु का आधा हिस्सा तो यहां हमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हम जब किसी भी वस्तु को या संख्या को बराबर में भागों में बांटेंगे यदि दो बराबर भागों में बांटेंगे तो उसे हम कहेंगे आधा और यदि हम तीन बराबर भागों में बांटेंगे तो हम उसे कहेंगे तिहाई ठीक है और जब हम किसी वस्तु को चार बराबर भागों में बांटेंगे तो उसे हम कहेंगे चौथाई और जब हमने एक वस्तु को पूरी रखा सुरक्षित और दूसरी वस्तु का जो आधा हिस्सा है या उसे दो हिस्सों में बांटा दूसरी वस्तु को तो यहाँ हो गई डेढ़ एक वस्तु पूरी और दूसरी वस्तु आधी और यहाँ है सवा मतलब एक वस्तु पूरी और दूसरी वस्तु का चौथा हिस्सा तो उसे हम बोलेंगे एक सवा अब यहाँ हमें दिया हुआ है ढाई तो यहां दो वस्तुएं पूरी और तीसरी वस्तु का आधा हिस्सा उसे हम बोलेंगे ढाई अब यहां हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक चौथाई को पाव भी कहते हैं कि यहां जो एक चौथाई हिस्सा है किसी भी वस्तु का उसे हम पाव भी कह सकते हैं ठीक है तो हम एक चौथाई को पाव बी कहते हैं ठीक है तो यहाँ हमने भिन्न को समझने का प्रयास किया अब हमें यहाँ भिन्न से परिचय दिया गया है या भिन्न की परिभाषा समझाने का प्रयास किया गया है कि हम भिन्न कहते किसे हैं तो यहाँ हमें दिया गया है भिन्न से परिचय ठीक है तो हमने अभी पिछली कक्षा में या पिछले जो चित्र थे उनके माध्यम से क्या समझने का प्रयास किया कि भिन्न का मतलब होता है बटवारा करना वो बटवारा चाहे संख्याओं का हो सकता है या किसी वस्तु का हो सकता है और उस बंटवारे को हम भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे ये हमें अभी समझाने का प्रयास किया गया था अब हमें भिन्न की परिभाषा समझना है तो यहां है इसी तरह हम संख्याओं को भी बराबर बांट सकते हैं तथा संख्याओं के बांटने की क्रिया को भिन्न कहते हैं भिन्न किसको कहा संख्याओं को बराबर भागों में बांटने की क्रिया को हमने भिन्न कहा जैसे दस को पांच बराबर भागों में बांटना अर्थात दस बटा पांच लिखते हैं और दस बटा पांच एक भिन्न है जिसमें ये जो दस है उसको हम अंश तथा पांच को हर कहते हैं कि सबसे पहले हमने यहां जो पूरी भिन्न की परिभाषा दी गई है उसमें यहाँ दो चीजें प्रमुख है वो ये है कि किसी भी वस्तु को यहाँ हम गणित पढ़ रहे हैं तो यहाँ हमें संख्याओं को बराबर भागों में बांटना है तो संख्याओं को बराबर भागों में बांटने की क्रिया को हम भिन्न कहते हैं और यहाँ हमारे सामने भिन्न में दो संख्याएं होती है और जो भिन्न में ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम कहते हैं अंश और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे हम कहते हैं हर ठीक है ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी आज की कक्षा में हमने अध्याय पंद्रह जिसका नाम है बंटवारा या भिन्न संख्या में भिन्न से परिचय किया और भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न में जो दो संख्याएं होती है उसे हम अंश और हर कहते हैं तथा संख्याओं और वस्तुओं को बराबर भागों में बांटना सीखा और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद